शेयर बाजार, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और बाजार हम उस जगह को कहते हैं जहां पर हम खरीद बिक्री करते हैं। शाब्दिक अर्थ में अगर कहा जाए तो किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी, जहां पर हम खरीदे और बिक्री करते हैं। यहां पर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े शेयर मार्केट हैं। शेयर बाजार में खरीदारी का काम पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। देखा जाए तो देश की सभी बड़ी बैंक और उसकी सब्सिडी कंपनियां, साथ ही साथ वित्तीय कंपनियां एक्सचेंजों में ब्रोकर के तौर पर काम करती हैं, और यहाँ पर शेयर्स की नीलामी होती है। अगर कोई शेयर्स खरीदना चाहता है तो सबसे कम दाम वाले से शेयर खरीदे जाते हैं, और अगर कोई शेयर्स बेचने चाहते हैं तो जो सबसे दाम ज़्यादा दे रहा है उसको शेयर बेचे जाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे ऑनलाइन शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है। ये सूचना क्रांति का एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले अमीर लोग ही कर सकते थे, आज वो काम गरीब लोग भी घर बैठे कर सकते हैं, या कॉमन पीपल भी घर बैठे कर सकते हैं। शेयर बाजार किसी भी देश की विकसित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से देश, शहर या गांव के लिए सड़क, पानी, रेल यातायात, बिजली की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर मार्केट ज़रूरी है। जिस तरह से उद्योगों के लिए कैपिटल चाहिए होता है, ये कैपिटल उन्हें शेयर बाजार से मिलता है। देखा जाए तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस स्टॉक एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक मानी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।